इंसानियत का दौर यहाँ यूं भी चला है, अंजाम भलाई का सदा होता भला है। ओ माँ बाप की दुआओं का जिस घर में असर हो, माँ बाप की दुआओं का जिस घर में असर हो, घर में असर हो, दुनिया में वो बागान सदा फूला फला है, दुनिया में वो बागान सदा फूला फला है। कुछ हाथ खामोश है, सब साथ आइएगा। दुनिया में वो बागान सदा फूल फला है, जीवन का सुमन माँ के ही आंचल में खिला है। सुनिएगा कि जीवन का सुमन माँ के ही आंचल में खिला है, होठों पे दुआ दिल में नहीं कोई गिला है। ये मान यो सम्मान या शोहरत की ये दौलत, फिर समर्थन चाहता हूं आपका कि ये मान यो सम्मान या शोहरत की ये दौलत, शोहरत की ये दौलत, शोहरत की ये दौलत, जो भी मिला है माँ की दुआओं से मिला है, जो भी मिला है माँ की दुआओं से मिला है। मंदिर समान घर को सजाती संवारती, मंदिर समान घर को सजाती संवारती, सो जाता जब मैं चुपके से नजरें उतारती, और कदमों में जिसके तीर्थ और चारों धाम है, चरणों में जिसके तीर्थ और चारों धाम है, चारों धाम है। माँ के बिना अधूरे है पूजाओ आरती, माँ के बिना अधूरे है पूजाओ आरती, और ममता बिना ही चल रहे जिनके नसीब है। ऐसे लोग जो जीते जी माँ बाप से दिल की दूरियां बना लेते हैं, फिजिकल दूरियां कोई मायने नहीं रखती, भौगोलिक दूरियां कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि हजारों किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले लोग बहुत नजदीक हो सकते हैं और एक छत के नीचे रहने वाले कभी कभी लोग बहुत दूर हो सकते हैं। तो असली जो दूरियां होती हैं भावना की होती हैं, दिल की होती हैं। तब मैंने कहा, अभी मैंने कहा भी था कि दिलों के बीच दूरी से बड़ी दूरी नहीं होती। जो माँ बाप से दिल की दूरियां बना लेते हैं उनके लिए मैंने कहा कि ममता बिना ही चल रहे जिनके नसीब है, ममता बिना ही चल रहे जिनके नसीब है, दौलत के वो अमीर भी दिल के गरीब है, दौलत के वो अमीर भी दिल के गरीब है। सच ये है इस जहान में धनवान है वही, सच्ची लगे बात तो हाथ उठे आपके, कि सच ये है इस जहान में धनवान है वही, धनवान है वही, धनवान है वही, दुनिया में जो माँ बाप के दिल के करीब है, दुनिया में जो माँ बाप के दिल के करीब है। और एक मुक्तक और कि दुनिया भी तरक्की में जो मगरूर हो गए, कि दुनिया भी तरक्की में जो मगरूर हो गए, माँ बाप की दुआओं से भी दूर हो गए, और पाकर बुलंदियां भी जो माँ बाप के रहे, पाकर बुलंदियां भी जो माँ बाप के रहे, माँ बाप के रहे, सारे जहां की नजरों के वो नूर हो गए, सारे जहां की नजरों के वो नूर हो गए, नूर हो गए, नूर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार राजू श्रीवास्तव भैया के लिए डबल ताली बजाइएगा, क्योंकि भाभी जी भी साथ में हैं, उनका भी सम्मान हो। मंच पे आसीन परम पूज्य बड़े महाराज जी, हमारे पूजनीय स्वामी रामदेव जी और बड़े महाराज जी वहां भी विराजमान हैं। मैं आप सबके सामने शीश झुकाता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दें। आज इस तरह का मेरे लिए पहला अनुभव है और मैं बहुत आस्थावान हूं और हर कुंभ में मैं भेष बदल के घूमता हूं, ये सच्चाई बता रहा हूं। चाहे हरिद्वार भी जाता हूं और प्रयाग भी जाता हूं, नासिक भी जाता हूं, वहां लोग मुझसे फोटो न खिंचाएं या हाथ न मिलाएं या कोई टेलीविजन की बात ना करें, मुझे पूरा भक्ति में रहने दें,
इसलिए मैं वहां भेज बदल के 3-4 दिन हमेशा रहता हूं और वहां पूरा श्रमदान करता हूं। इसी कड़ी में जब आपने मुझे याद दिलाया रामदेव महाराज जी ने, तो मैं आपका बहुत कैसे शुक्रिया अदा करूं, आपने मेरे मन की बात कही। और इस समय मंच पे सिर्फ ये साधु संत नहीं है, मेरी नजर में मंच पे इस वक्त आप हिंदुस्तान देख रहे हैं, यही है हमारा हिंदुस्तान। लेकिन दोस्तों हास्य कलाकार हूं, इसलिए तमाम बातें या तो मेरे साथ हो जाती या मैं खुद ही ढूंढ लेता हूं। आज बड़ी गड़बड़ हो गई, छिपरा नदी के पावन तट पे मैं स्नान कर रहा था, अभी दोपहर की बात है, स्नान किया और मैंने जैसे ही स्नान करके निकल ही रहा था, मैंने देखा सामने नागा बाबा। तो मैंने कहा मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि स्नान करते ही नागा बाबा के दर्शन। मैंने कहा नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो। बोले चल हट। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो। बोले चल हट। हमने कहा नागा बाबा आप क्रोधित हैं क्या, आप नाराज हैं? अरे मैं कोई नागा बाबा का नहीं, मैं खुद नहाक निकला, मेरी कोई टावल लेके भाग गया। तो कई बार बड़ी विचित्र समस्या हो जाती है। यहां मैंने जिस तरफ हमारे अखाड़ा है, हमारे पूज्य बाबा जी के अखाड़ा है, वहां तो भजन कीर्तन होते रहते हैं, दूसरी तरफ महाराज जी वहां फिल्मी गाने हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, इस पे भी मुझे लगता है रोकथाम होनी चाहिए। एक साथ इतने स्पीकर लगे हुए हैं, उसमें खोया पाया वाले भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं और फिल्मी गाने भी हो रहे हैं, कोई बच्चा खो गया वो भी अनाउंसमेंट हो रहा है, ट्रैफिक वाले भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, सब आवाजें मिक्स हो रहे हैं। आगे बढ़ते रहिए, रिक्शा हटा बे, आप ही जाए। देखिए एक बच्चा खो गया है जो लाल चड्डी पहने हुए है, जिस किसी का है पुलिस के दरोगा से ले जाए। आगे बढ़ते जाइए, के पग घुंघरू बांध मीरा नाच ओ आज मौसा। अपनी जेबें संभालिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिए रिक्शा आगे बढ़ाइए, MRP 14-15, आगे बढ़ाइए रिक्शे को। आप यात्री जितने भक्तगण हैं अपने सामान की रक्षा स्वयं करते रहे। देखिए हम खो गई हैं रमरतिया, हमका जहां पे छोड़े रहे हो वहीं पे हम बैठी हैं। चाचा नहाक निकले, तुम तौलिया लेके कहां गए हो? आगे बढ़ते रहिए। एक बच्चा खो गया है, लाल चड्डी पहने हुए है, जिस किसी का है पुलिस के बूथ से दरोगा जी से ले जाए, वो दूध भी नहीं पिला पा रहे हैं। आगे बढ़ते रहिए। ओ आज मौसम बड़ा कजरा रे कजरा। आगे बढ़ते रहिए। देखिए रिक्शा आगे बढ़ा देंगे। देखिए हमारे बिहार के रामरती जी कुछ कहना चाहे, भाई साहब हम भूखे हैं, हमारा पैसा तुम्हारे पास है, अब पूरी खाने को नहीं मिल रहा है, वो तो अच्छा हुआ क्या अखाड़ा में गए महाराज के यहां फ्री में खा के मिल गया, नहीं तो तुमको जूता मारते। आगे बढ़ते जाइए। बाद में एक महिला आई, दरोगा जी से बच्चा लिए, हाँ साहब हमार बच्चा है, हमका दे दो। बच्चा दे दिया, दरोगा का माथा ठनका, बोले इधर आइए, हर रोज आती हो, तुम्हारा ही बच्चा क्यों खोता है? कहा महाराज ये मेला घूमे में ये बहुत परेशान करत है, तो हम जानबूझ के पुलिस वाले के पास छोड़ जाए। बोले चलो ये भी ठीक है। मैंने गाय की बहुत सेवा की है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं कानपुर का हूं, मेरे घर में हमेशा गाय रही और मेरी ड्यूटी थी उसको चारा देना, उसको घुमाना, और जो गोबर होता था गोबर तसले में भर के मैं ही ले जाके, हमारे यहाँ बगल में जगह नहीं थी तो छत पे हम डालते थे, तब फिर अम्मा उसमें उपले और वो कंडे बनाती थी, मैं दूह नहीं पाता था, दूती वही थी। तो शायद गाय का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला, मैं बहुत अटैच हूँ गौ माता से। तो गाय पर मैंने एक चीज देखा है, उज्जैन में देखा मैंने, यहाँ महाराज जी गाय बीचों बीच चौराहे बैठी रहेंगी पूरे पूरे गैंग बना के, और जो कार वाले निकल नहीं पाते हैं तो हॉर्न बजाते हैं पा 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 पा, गाय उठती नहीं है, बैठे बैठे ड्राइवर को ऐसे देखती है।
अच्छा खुद तो उठती नहीं है, जो दूसरी नॉर्मल बैठी है उससे कहती है कि देखो ये क्या पागलपन कर रहा है, जो नॉर्मल आराम कर रही थी ऐसे उससे कहा। दूसरी क्या, वो बोले ऐसी कार बहुत देखी है, लेकिन मैंने बाइक वालों को देखा है, बाइक वाले बहुत बदतमीजी करते हैं। बाइक से जा रहे हैं, अगर गाय बैठी है तो बाइक से उतर के नहीं उठाते, बाइक में बैठे बैठे उसको पुश करेंगे। अब गाय को कुछ फर्क नहीं पड़ता, गाय बस थोड़ा हिल जाती है, फिर पुश किया। तभी बाइक में जो पीछे बैठा है वो बोला, ये रमेश तमीज से गाय माता होती है तमीज से। अच्छा माताजी उठ जाओ स्टेशन जा रहे हैं। एक गाय उठ गई, माताजी उठ जाओ भाई के पास जा रहे हैं। दूसरी गाय उठ गई, तीसरी गाय उठ ही नहीं रही, माताजी। पीछे वाला बोला, ध्यान से देखो माताजी नहीं पिताजी। अच्छा आपको लगता है कि वो ऐसे बैठी होंगी, कई बार मैंने देखा है उनका पूरा परिवार वहीं बस जाता है, चौराहे बैठी होती है। एक बैल यानी हाँ वही सांड गाय को आमिर खान की स्टाइल में प्रेम पैगाम भेज रहा है। एक बैल, सुन गाय बोली, सुना आती क्या गौशाला का करेंगे आके हम गौशाला, अरे घूमेंगे फिरेंगे सब्जी मार्केट घुस जाएंगे, हरे के झोले से निकाल के खाएंगे, पूरे रास्ते पर गोबर करेंगे और क्या। गाय मजाक अपनी जगह, लेकिन गाय हमें पालती है, मां का दर्जा हम उन्हें देते हैं। जब गाय को बेचा जाता है और जब ट्रक में उसे चढ़ाते हैं, वो दृश्य आप देख नहीं सकते, और दूर उसका बछड़ा बछिया जब उसको देखता है तो उस समय गाय माता हमारी क्या कहती है, ए भैया हमका ना बेचो भैया, हम बुढ़ा गई है भैया, हम का खाइबे, कोने में पड़ी रहा, घास फूस खा पड़ी रहा, दो चार साल और जिंदा हो, हमका ना बेचो बच्चा। अरे बच्चा हमार दूध पी के तुम बड़े भाई हो, आज तो हमारे गोबर गैस से रोशनी हुई रही है, हमारे मूत्र से कैंसर का इलाज का दवा बन रहा बच्चा, हमका बुढ़ापे में ना बेचो बच्चा, हमका बुढ़ापे में ना बेचो बच्चा, एक कोने में पड़ी रहा बच्चा, घास फूस खाइबे और कुछ ना खाइबे बच्चा। याद है जब हमारे बछड़ा हुआ रहा तो तुम उस दिन स्कूल नहीं गए रहे हो, दूर से आके घंटी बांधे रहे हो हमारे बच्चा, हम देखा जब तुम पास हुए रहे हो हमारे काला टीका लगाए रहे हो बच्चा, जब तुम आओ स्कूल से हम तुमका ऐसे चाटी, तुमका बहुत अच्छा लगत रहा बच्चा, अब बड़े हो गए हो, पैसा वाले हो गए हो, विदेश घूम रहे हो, ये बुढ़िया का ना बेचो बच्चा, ए बच्चा बुढ़िया का ना बेचो बच्चा, बुढ़िया का। हमने कहा हास्य के साथ साथ जो मेरे मन में हमेशा रहता है वो भी पहुंचाता चलूं, ये आवाज जहां तक जाए शायद अगर एक आदमी भी इसे सीख ले तो मुझे लगता है कि मेरा परफॉर्म करना, हास्य कलाकार होना सफल हुआ। जब भी ये तो छिपरा नदी का पावन तट है, गंगा के किनारे मैंने देखा है एक विधि करने लोग जाते हैं, श्राद्ध करने जाते हैं, चाहे हरिद्वार हो चाहे इलाहाबाद हो नासिक हो, लोग श्राद्ध करने के लिए जाते हैं, और ये प्रथा है कि वहां खीर और पूरी बना के रख दिया जाता है, कौवा आता है, कौवा जब खा लेता है तो ये माना जाता है उन्होंने खा लिया जिनके लिए हम आए थे। एक बच्चा, उसके पिताजी नहीं रहे, पिताजी इस दुनिया में नहीं है, अपनी मां के साथ आया है श्राद्ध करने, माँ बेटे दोनों मौजूद हैं, पिताजी नहीं है, खीर पूरी रखी हुई है, कौवे का इंतजार हो रहा है।
एक तो उस दिन कौआ बहुत बिजी रहता है, कौआ दूर से आ रहा है, आए, आए। आए, आए। नीचे आया है, नीचे आया, लगता खाएगा खाएगा, नहीं खाया और निकल गया। फिर घूम के आया, आए, आए। आए, आए। लगता खाएगा खाएगा, नहीं खाया, निकल गया। बच्चा रोने लगा, अम्मा तुम अंदर जाओ, पिताजी आज भी आपसे डरत है। थोड़ी देर में कौवा आया और इनका नहीं खाया, बगल वाले खा के निकल गया। तो महिला रोने लगी, इनकी शुरू से आदत है, हमारे हाथ का तो खाते नहीं, पड़ोसन क्या घुसे रहते, कब शर्मा इनका, कब डूबता इनके, सकता लाज जाए, हमारे हाथ को खाते। बहुत धन्यवाद। एक आइटम, एक हास्य प्रसंग बाबा जी आपके चरणों में रख रहा हूं, जो मैंने इस कैरियर में पहली बार उसको बनाया, पहली बार प्रस्तुत कर रहा हूं। जिंदगी में पहली बार मुझे हास्य और मिमिक्री के बारे में कुछ मालूमात नहीं थी और मैंने सहज रूप से एक आइटम बनाया था। आज आपके बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके पास खाने के लिए पिज्जा बर्गर और न जाने क्या क्या आज की चीजें हैं। याद कीजिए अपना जमाना, जो बड़े यहां बैठे हैं, तब इतनी चीजें नहीं थी। तब खाने पीने के लिए हर बच्चे की ख्वाहिश होती थी लड्डू बर्फी पेड़ा और रबड़ी, यही चाहता था। लेकिन हमारा दिल करता था आज घर में लड्डू आ जाए, रसगुल्ला आ जाए, लेकिन मां बाप मंगा नहीं पाते थे। तो हम प्रार्थना करते थे कि आज किसी तरह से घर में अतिथि आ जाए, भगवान आ जाए या कोई मेहमान आ जाए, तो घर वाले रसगुल्ला जरूर मंगाएंगे और फिर हमको भी मिल जाएगा। तो देखिए मेहमान आ गए, रसगुल्ले टेबल पर रखे हुए हैं और बच्चे को देना भूल गए। तो बच्चा देखिए रसगुल्ला देख के चारों तरफ किस तरह से बर्दाश्त करता है। रसगुल्ला रखा है, बड़ी हिम्मत करके बोला मेहमान से, अंकल आपको भी रसगुल्ला अच्छे लगते हैं? तब भी नहीं दिया, तो अब तो बच्चा भरा हुआ। फिर घूम के आया, मैं कभी कभी काले वाले रसगुल्ले खाता हूं और कभी कभी सफेद वाले, तब भी नहीं दिया। अब बच्चा अपना मन हटाने के लिए जबरदस्ती घर की चीजें गिन रहा है, दो टू बल्ब, वन ट्यूब लाइट, मेरी मम्मी कहती हैं जब कोई दे तब लो, तब भी नहीं दिया। अब तो बच्चा भरता जा रहा है, अंकल आप कब जाओगे? बोले क्यों, मैं सारे खाऊंगा। यहां से मेरी शुरुआत हुई और इस आइटम का बहुत उस समय लगभग 20-25 साल पहले लोगों का बहुत रिस्पांस हुआ और वहां से ये क्रम जो शुरू हुआ, तो आपके आशीर्वाद से थमने का नाम नहीं है और सारी जगह बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। जी बफे सिस्टम, यहां देखिए प्रसाद हम लोग खा रहे हैं, लोग अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे घर के लोग खुद आके सर्व करते हैं, अपने हाथ से खिलाते हैं, उठाने वाले बर्तन उठाने वाले भी अच्छे अच्छे घर के लोग हैं, ये सीखना चाहिए। याद कीजिए पुराना जमाना जब वेटर वगैरह नहीं थे, आपके यहां शादी वगैरह होती थी, वेटर सिस्टम नहीं था, तब घर के लोग खुद ही खिलाते थे, अपने हाथ से खिलाते थे, हाथ से खिलाते थे, लेकिन देखने में लगता था कि हो रहा है झगड़ा, लेकिन थी वो मोहब्बत, विनती करके खिलाते, एक 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 पूरी लीटर होगा, होगा होगा खा लिया, होगा भैया एक लीटर, अरे होगा कह रहा, होगा यार एक गरम 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 पहले भी खा लिया, गरम यार गरम मतलब क्या, घुसड़ मतलब, अब कह दिया गरम मतलब, अरे अब एक लीजिए एक पूरी, आप जीजा जीजा जी मतलब पेट फाड़ दे मतलब। अच्छा ये जब होता था, जो बगल वाला बैठा है जो इनको जानता भी नहीं, वो अनजाने में आग में घी डालता था, बगल में खा रहा खाते खाते, अरे भैया दे दो इनको, तो
अच्छा कुछ लोग खाना लेने जाएंगे ऐसी प्लेट भर लेते हैं, वो समझते दोबारा का चक्कर रखो ही मत, इतनी चीजें भर ली। पता चला रायता विदाउट इंट्रोडक्शन चावल के नीचे से जा रहा है और पालक पनीर को मिलके आ गया, रोटी आदि बाहर लटकती है, ऐसा लगता है बच्चे पलंग के बाहर पैर लटकाए हुए। पापड़ कहता है मैं तो सरेंडर हूं, मुझे खाओ ना खाओ एक ही बात है, क्योंकि 15 मिनट से मेरे ऊपर सलाद रखा हुआ। अचार कहता है मैं तो गुमशुदा की तलाश हूं, मैं किसी निवाले में एक साथ आऊंगा पूरा, फिर मैं सुबह बताऊंगा मैं कौन था। अच्छा जिनके घर में शादी हुई इतना पूछते हैं, अरे भैया लीजिए रसगुल्ला लीजिए, अरे रसगुल्ला नहीं लिया है, नहीं लिया, अरे लीजिए, अरे लीजिए भाई है, लीजिए मीठा नहीं लिया है, मीठा नहीं लिया है, ऐसा लग रहा है एक ही चीज बनी है। आज बोलते इधर ये जो दही बड़े जैसा लग रहा है, जब लिया था रसगुल्ला ही था, ये दही बड़ा अभी हुआ है रायता से मिलके। अच्छा कुछ शादियों मैंने देखा खाना इतनी दूर दूर लगा देते हैं कि पहले जो परिवार खाने गया वही बिछड़ जाता है। अब गार्डन में लोग प्लेट लेके ऐसे घूम रहे होते हैं, अरे मेरी बहू को देखा है नीली साड़ी, नीली साड़ी तवा पे, तवा पे, अरे उतार देते यार अब तक तो गर्म हो गई होंगी, एक साहब और प्लेट लेके घूम रहे, अरे भाई पालक पनीर किधर है, वो तो उधर है, उधर बता रहे हैं चाइनीज है, उधर बता रहे हैं मुगलई है, मैंने किसी के प्लेट में देखा है, अब वो घर से तो लाया नहीं होगा। पानी के लिए अच्छे अच्छे लोग परेशान होते हैं, पानी पता नहीं क्यों छुपा देते हैं बड़ी शादियों में। एक बुजुर्ग घूम रहे हैं, अरे वेटर यूं निकल गया, अरे वेटर यूं निकल गया, अरे वेटर यूं निकल गया, एक रुक गया, यस यस अंकल मैं हेल्प यू, बेटा पानी चाहिए था, पानी पानी आपको, पानी पानी ना, क्या पीना है, नहीं नहाना था, मैं हर मंडप पे नहाता हूं, नहीं नहीं अंकल बता रहा हूं पानी के लिए, पानी के लिए आप ऐसा करिए, पानी क्या बेटा पैन नंबर लगेगा, नहीं नहीं अंकल मैं बता रहा हूं आपको, पानी के लिए आप ऐसा करिए यहां से स्ट्रेट जाइए ठीक है, गाजर के हलवा से लेफ्ट ले लीजिए, कढ़ी से राइट ले लीजिए, गुजराती कढ़ी से राइट मत लेना उल्टा पड़ेगा, पंजाबी कढ़ी से राइट लीजिए ठीक है, तरोई और पालक के बीच से जैसे ही निकलेंगे आप सामने वहां फालूदा क्रॉस करेंगे, वहां दो महिलाएं बनी बर्फ की, उनसे पानी टपक रहा है, वो मत पीना वो डेकोरेशन है, उसके ठीक सामने काउंटर है पानी का। बोले अच्छा इतना इंतजाम किया था तो 5-6 रिक्शा भी रखवा देते। अच्छा बारात ऐसी ऐसी जगह से निकलेगी जहां नाचने की जगह नहीं है, लेकिन नाचना बहुत जरूरी है, पतली गली या किसी के मकान बन रहा मिश्रा जी का, उनकी सरिया पड़ी है यहां पे, पांडे जी का चाट का ठेला उल्टा रखा है और बीच में गटर है मगर उसमें ढक्कन नहीं है, अब बारात जाते सब डांस कर रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी, एक सेकंड एक सेकंड, अरे कैसे नाचे यार ये गटर में ढक्कन ही नहीं है, अबे पागल हो गए, अबे अबे वो गड्ढे को दोनों पैर के बीच में ले लो और नाचो, लोग समझेंगे नया स्टाइल है। अच्छा आज मेरे यार की शादी है, बारात रुको बारात रुको, दो बाराती अंदर हैं और बाराती अंदर से क्या कह रहे हैं, ज्यादा नेतागिरी ना करो हम लोग दूसरी बारात के हैं, करते करते बारात पहुंचती है। अच्छा साली जो होती है वो इतना जोश में होती, इतनी खुश होती है, उनकी बहन की शादी है, वो किसी टेबल का ध्यान देना दे दूल्हे के लिए सर्व करती है, इतना बड़ा डोंगा और 2 गुलाब जामुन लेके आएंगी, खिलाएंगी कम स्टाइल ज्यादा, जीजा जी के पास आई, जीजा जी एक रसगुल्ला, एक रसगुल्ला,
लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, दूल्हा बोलता है भाई मैंने खाया था। आपने खाया होगा, मैंने तो नहीं देखा। नो नो नो, मेरे हाथ से तो नहीं लिया, लेना पड़ेगा। इधर इनका प्रोग्राम चलता है। अच्छा, बारात अगर सर्दियों की है, सर्दी की शादी में लोग खाना खाते कर रहते हैं, और खाने खाते खाते उनका मेन टेंशन होता है कि कहीं आखिरी में रजाई ना कम पड़ जाए। खा भी रहे और आधा ध्यान रजाई में। गुड्डू, अबे साले खा तो रहे हो, ठंड बहुत है, नानी के लिए 3 रजाई लेना, 2 में निकल जाएंगी। अच्छा, ठंड में जिसको रजाई मिलती है उसको ऐसा लगता है लॉटरी। एक दादाजी रजाई में घुसे, हरी 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 हरी। थोड़ी दिनों रजाई गर्म हो गई, जब रजाई गर्म हो जाती है तो बहुत आनंद आता है, रजाई से निकलने का मन नहीं करता। अब उनका बेड लग था, एक बुजुर्ग और आ गए, आज पुत्तन तुम बगल वाला कमरा ले लो, ये कमरा महिलाओं का है। अब इतनी मुश्किल से रजाई गर्म हुई थी, फिर बड़बड़ाते हुए दूसरे कमरे में घुसे, हरी 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 हरी। फिर रजाई गर्म हो गई, रजाई गर्म हो गई, निकलने का दिल नहीं कर रहा। तभी घर की बच्चियां आ गईं, दादाजी एक रिक्वेस्ट है, ये वाला रूम हम लोग दे दीजिए, आप बगल वाला ले लीजिए, हम लोग रात भर खेलेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे, धमाल करेंगे, हमारी सारी फ्रेंड्स आई हैं, सारी सहेलियां आई हैं, हम लोग पूरी रात मस्ती करेंगे, जागेंगे, धमाल करेंगे, ये रूम हम लोग दे दीजिए। बोले बस, दूल्हे के बाप को बुलाओ यहां, ये तुमने हमें विवाह में बुलाया है कि सब रजाई गर्म करवावे के लिए बुलाया है?